स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अभी तक जब भी कभी मशाल जुलूस निकलता था तो वह राजनीतिक दल या फिर प्रशासन के खिलाफ, लेकिन जबलपुर के अमखेरा में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने अनूठा प्रदर्शन बिल्डर के खिलाफ किया। अमखेरा की जागृति नगर में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने आज अपने अपने घरों से निकले और सड़कों पर उतरकर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़कों पर भारी जाम लग गया। करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तो मसाला जरूरी निकाला था, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत करेंगे और फिर तब भी सुनवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जबलपुर शहर के अमखेरा जागृति नगर में रहने वाले मोहम्मद हुसैन ने बताया कि इस कॉलोनी में करीब 200 मकान बने हुए हैं। जबलपुर शहर के अलग अलग बिल्डरों ने जागृति नगर में कॉलोनी बनाई थी। जिस समय लोग यह प्लॉट खरीद रहे थे उसे दौरान यह वादा किया गया था कि वह तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो कि कॉलोनियों को मिलती है। अच्छी सड़क के साथ रोड, नाली, लाइट मिलेगी। बिल्डर के इसी आश्वासन पर सैकड़ों लोगों ने प्लॉट खरीदा और अपने परिवार के साथ रहने लगे। कई सालों के बाद भी कॉलोनी में ना ही लाइटें थी और ना ही रोड। इतना ही नहीं, करीब आधा किलोमीटर दूर से टीसी कनेक्शन लेकर लोग अपने अपने घर पर लाइट लिए हुए हैं। इतना ही नहीं, जब बारिश होती है तो कॉलोनी में पूरी तरह से कीचड़ आ जाता है जिसके चलते लोगों को परेशानी होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस कॉलोनी में एक नहीं बल्कि एक दर्जन से अधिक बिल्डर है जो कि अलग अलग लोगों को प्लॉट कटिंग करके उन्हें बेचा करते हैं। अभी तक बिल्डर के जो नाम सामने आए उनमें काजल, मोहसिन, हामिद हसन, समीर मोहसिन, पप्पन, अशवाक सहित एक दर्जन से अधिक बिल्डर हैं जिन्होंने कि अपने अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का आश्वासन देते हुए प्लॉट भेजा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर एक परिवार ने अपने 20 से 25 लाख रुपए मेहनत की गाड़ी कमाई लगाई है। अभी हमने प्राथमिक तौर पर प्लॉट बेचने वाले बिल्डर को चेतावनी दी है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी हमारी मांगों पर विचार करते हुए हमें सुविधा नहीं दी जाती तो आगामी समय में हम जबलपुर जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि जबलपुर की जागृति कॉलोनी में अभी 200 से अधिक मकान बने हुए हैं जहां पर कि 1000 से अधिक लोग रहा करते हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि स्थानीय लोगों के मशाल जुलूस प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन बिल्डरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। चालीस फीट में रोड, बिजली, नाली की समस्याओं को लेकर आज कॉलोनी के तमाम लोगों ने बिल्डरों के खिलाफ का प्रदर्शन किया। मूल सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं मिला, इसके कारण आक्रोशित कॉलोनी के लोगों ने बिल्डरों का पुतला दहन किया। आज पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया, कल प्रशासन के पास जाके अपनी मांग रखेंगे। नाम बता दे। मोहम्मद हुसैन। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।